एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रूम योर सेल्फ। मैं अंकिता आज आपके लिए लेके आई हूँ विंटर स्पेशल वीडियो। यस गाइस, आज की वीडियो होने वाली है एकदम विंटर स्पेशल। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मेक श्योर टू डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर माय अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशन। सो जल्दी से जल्दी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ आज का वीडियो शेयर कर देना और कोई अच्छा सा नीचे कमेंट कर देना, इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आज की वीडियो होने वाली, जैसा कि मैंने बताया आपको कि एकदम विंटर स्पेशल होने वाली है, क्योंकि विंटर एकदम से आ चुका है। विंटर आ चुका है और विंटर पे आपका स्किन, आपकी हेयर, आपकी बॉडी सब कुछ एक्स्ट्रा केयर मांगने लगती है, एक्स्ट्रा टेंशन। हम अपनी बॉडी, अपनी स्किन, अपने हेयर को हमेशा ही केयर करते हैं, लेकिन विंटर में गाइस बहुत ज्यादा हमको केयर करने की जरूरत पड़ती है और एक रूटीन बनाने की जरूरत पड़ती है, हमको एक रूटीन फॉलो करने की जरूरत पड़ती है। तो आपको कौन सी रूटीन फॉलो करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो आज का वीडियो होने वाला है विंटर डे रूटीन केयर के बारे में। सुबह उठते ही मॉर्निंग में सबसे पहले आपको अपना फेस वॉश करना है। आप अपने फेस को वॉश करने के लिए कोल्ड भी माइल्ड फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। मैं जो यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो डब का सोप है। डब का सोप काफ़ी माइल्ड होता है और अभी तक मुझे इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिला है, तो मैं इसका यूज़ करते हुए अपने फेस को क्लीन करूँगी। सेकेंड स्टेप होगा हमारा स्क्रबिंग का। स्क्रब करने के लिए हम कोई भी केमिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे, हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हुए स्क्रब तैयार करेंगे। सो जिनका ड्राई स्किन है वो कोकोनट ऑयल और शुगर को मिक्स करके स्क्रब तैयार कर ले। कोकोनट ऑयल ड्राई स्किन वालों के लिए उनके ऑयल को बैलेंस करता है, मॉइस्चर को बैलेंस करता है, उसको पकड़ के रखता है, साथ ही साथ शुगर जो होता है वो अच्छे तरीके से चेहरे को एक्सफोलिएट करता है। इसलिए ड्राई स्किन वालों के लिए शुगर और कोकोनट का ऑयल का मिक्सचर बेस्ट रहेगा। मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल और शुगर का मिक्सचर तैयार करके रखी हूँ, जैसा आप देख पा रहे हैं। अब मैं इसकी मदद से चेहरे को एक्सफोलिएट करूँगी अच्छी तरीके से। ऑयली स्किन वाले स्क्रब करने के लिए बेकिंग सोडा और प्लेन वाटर के मिक्सचर का यूज़ करें। आप चाहें तो प्लेन वाटर की जगह रोज़ वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं, इसका इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा होता है। साथ ही साथ बेकिंग सोडा ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, ये एक्स्ट्रा ऑयल को बैलेंस करता है, साथ ही साथ फेस में ग्लो लाता है और चेहरे को अच्छी तरीके से एक्सफोलिएट करता है। तो मैं यहाँ पर बेकिंग सोडा और वाटर का मिक्सचर यूज़ करते हुए अपने चेहरे को एक्सफोलिएट करूँगी अच्छे से। स्क्रब करने के बाद आप अपने फेस को नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लें। थर्ड स्टेप होगा हमारा टोनर का। टोनर के लिए मैं यहाँ पे बायोटेक का बायो कुकुम्बर टोनर यूज़ करूँगी। ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी रिफ्रेशिंग टोनर है। इसका यूज़ ऑयली, ड्राई एवं कॉम्बिनेशन तीनों टाइप स्किन वाले कर सकते हैं। यह काफ़ी अच्छा टोनर है और ओपन पोर्स की समस्या को ख़त्म करता है। जिनको ओपन पोर्स की समस्या हो गई है वह इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। आप टोनर को चाहें तो स्प्रे बॉटल में भर के भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कॉटन बॉल की मदद से अपने चेहरे पर अच्छे से अप्लाई करूँगी और 5 मिनट तक इसको अपने फेस पर अब्सॉर्ब होने दूँगी। जब अच्छे से यह सूख जाएगा तब हम अगले स्टेप की ओर बढ़ेंगे। फोर्थ स्टेप है हमारे चेहरे को मॉइस्चराइजेशन करने के लिए। मॉइस्चराइजेशन के लिए आप कोई भी फेस सीरम, फेशियल ऑयल का यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो आप कोई भी सिंपल सा मॉइस्चराइजेशन क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे निविया का सॉफ्ट लाइट मॉइस्चर क्रीम का यूज़ करूँगी। यह काफ़ी अच्छा मॉइस्चर क्रीम है, इसका इफ़ेक्ट काफ़ी लाइट है और साथ ही साथ इसका टेक्स्चर काफ़ी क्रीमी है। यह अच्छे से आपके फेस पर अब्सॉर्ब हो जाता है और आपके फेस को अच्छी तरीके से मॉइस्चर करता है। मॉइस्चर अप्लाई करने के बाद 5 मिनट तक आपको वेट करना है। आफ्टर 5 मिनट आपको अपने फेस पे सनस्क्रीन लोशन लगाना है। आपको SPF प्रोटेक्शन यूज़ किए बिना बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है, भलाई वो विंटर का सीज़न क्यों ही ना हो। यहाँ पे मैं SPF के लिए न्यूट्रोजना का SPF प्रोटेक्शन यूज़ करूँगी। इसमें 50+ प्रोटेक्शन है, बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन लोशन है, इसलिए मैं इसका यूज़ करते हुए अपने फेस पर अच्छे से सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करूँगी। फेस के बाद आती है होठों की बारी। होठों को भी अच्छे से विंटर में केयर करने की ज़रूरत है, वरना वो रूखे सूखे दिखने लग जाएंगे, इसलिए उनको भी अच्छे से मॉइस्चर करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे मॉइस्चर करने के लिए हिमालय का लिप बाम यूज़ करूँगी। ये काफ़ी अच्छा लिप बाम है, आप चाहें तो बोरो प्लस का भी यूज़ कर सकते हैं, यह भी काफ़ी अच्छा होता है होठों के लिए, काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजेशन का काम करता है, लेकिन मैं यहाँ पर हिमालय का लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। इसमें कोई भी कलर इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये काफ़ी थिक फार्मूला है, अच्छे से ये होठों को मॉइस्चर करता है, बहुत अच्छे से होठों पे नमी को बनाए रखता है, नमी को पकड़ के रखता है, इसलिए बहुत अच्छा लिप बाम मुझे लगा।
फेस और लिप के बाद बारी आती है आपके हाथों की। विंटर में आपके हाथ काफ़ी डल और रूखे सूखे दिखने लगते हैं। इनको रूखा सूखा दिखने से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है आप इनमें अच्छे से मॉइस्चर अप्लाई करें। मैं यहाँ पे अपने हाथों को मॉइस्चराइजेशन देने के लिए हिमालय का कोको बटर बॉडी लोशन यूज़ करूँगी। ये काफ़ी अच्छा बॉडी लोशन है, इसका फार्मूला काफ़ी ठीक है और साथ ही ये अच्छे से पूरा दिन आपके हाथ पैरों को रूखा सूखा दिखने से बचाता है, मॉइस्चर को पकड़ के रखता है। सो अब आप अपने फेस पे मेकअप अप्लाई करके कहीं भी बाहर जा सकते हैं। ये था हमारा डे विंटर स्किन केयर रूटीन। सो गाइस, कैसा लगा आज का मेरा वीडियो? मैंने सारा कुछ आपसे विंटर से रिलेटेड शेयर किया है। मैंने इतना इजी रखने की कोशिश की है विंटर स्किन केयर रूटीन कि यदि आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, यदि आप स्टडी कर रहे हैं, यदि आप स्कूल जा रहे हैं, यदि आप ऑफिस जा रहे हैं और यदि आप घर में भी रह रहे हैं तो बहुत अच्छे से बहुत ईजी से ये रूटीन फॉलो कर सकते हैं। मैंने कुछ इसमें ताम झाम सा नहीं रखा है कि ये है वो, और सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। सो आप बहुत अच्छे से इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ यही रूटीन मैं अपनी खुद फॉलो करती हूँ। कुछ ऐसा आप लोगों को सजेस्ट नहीं करती हूँ जो मैं खुद फॉलो नहीं कर रही होती हूँ। सो आई होप आपको ये मेरा ये विंटर डे स्किन केयर रूटीन अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा और एक मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और नीचे अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबा दीजिए, नहीं तो आपको मेरे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और आप मिस कर सकते हैं। मेरे साथ मेरे चैनल ग्रूमिंग सेल पे ऐसे ही बने रहिए, अपना ब्लेसिंग अपना लव मुझे देते रहिए और आप खुश रहिए, हेल्थी रहिए, हैप्पी रहिए और विंटर में अपना ख्याल रखते रहिए। मैं आगे जल्द ही आपके लिए नाइट स्किन केयर रूटीन लेके आऊंगी और साथ ही साथ मैंने जो भी प्रोडक्ट यूज किए हैं जो, तो मैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपके लिए। कीप हेल्दी, स्टे फिट, लुक ग्रोइंग। बाय।